हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो बताया था मैंने कि जगन्नाथ सिंह कॉलेज का एडमिशन 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन दोस्तों ये कुछ टेक्निकल कारण और वेबसाइट रेडी नहीं हुआ था एडमिशन लेने के लिए, मेंटेनेंस चल रहा था दोस्तों, इसलिए ये एडमिशन डेट बढ़ा दिया गया है। देखिए ये 6 जुलाई तक, सॉरी 6 जुलाई से स्टार्ट होगा ऐसे बोल दिया गया है। 6 जुलाई से 20 जुलाई तक होगा दोस्तों अप्लाई। ये देखिए ये नोटिस है जगन्नाथ सिंह कॉलेज की तरफ से। इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न दैट ऑनलाइन एडमिशन इन टू TDC फर्स्ट सेमेस्टर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 6 जुलाई 2020। फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट्स शुड विजिट ये वेबसाइट है। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्ट टू जनरेट यूनिक आईडी ऑफ DHE बाई विजिटिंग ये DHE का यूनिक आईडी क्रिएट करने का ये लिंक है। बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन विदाउट विच एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो दोस्तों आपको ये एडमिशन लेने से पहले, एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको DHE में रजिस्ट्रेशन करना होगा और DHE आईडी देके ही अप्लाई करना होगा दोस्तों। बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन विदाउट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। द एडमिशन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। दोस्तों देखिए ये डेट दिया हुआ है, 6 तारीख से स्टार्ट होगा, 20 तारीख तक होगा। इन डेट के अंदर आपको अप्लाई कर देना है। और देखिए डिस्प्ले ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, ये सिलेक्शन लिस्ट 30 तारीख को देगा, 30 जुलाई को ये सिलेक्शन लिस्ट दे देगा दोस्तों, इसका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। और डेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम 1 अगस्त टू 7 अगस्त, दोस्तों 1 से 7 तारीख तक इसका, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक इसका एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देगा दोस्तों। दोस्तों इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, देखिए नीचे डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स HSLC मार्कशीट सर्टिफिकेट, HSSLC यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, HS सेकेंड ईयर का मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप इसी ईयर में यानी कि 2022 में पास किया हो तो आपका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया शायद, इसीलिए आपको मार्कशीट से ही अप्लाई करना होगा। आपको सिर्फ मार्कशीट से हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपका। कॉपी ऑफ यूनिक आईडी, आपने जो यूनिक आईडी क्रिएट किया होगा वही यूनिक आईडी चाहिए। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई गैप है यानी कि आप 21 में पास किया था, वो 20 में पास किया था, वो किसी प्रॉब्लम के कारण, जो कोई भी प्रॉब्लम के कारण आप अपने एडमिशन ले नहीं लेता, और अगर आप इस ईयर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए गैप सर्टिफिकेट चाहिए। और सर्टिफिकेट ऑफ SC ST, अगर आप SC ST OBC MOBC से बिलोंग करते हो तो आपके खास सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप PW हो तो PWD हो तो PWD सर्टिफिकेट, EWS हो तो EWS सर्टिफिकेट। फिर कलर फोटोग्राफ, ये सब के लिए मैंडेटरी है। इनकम सर्टिफिकेट फॉर लोकल रेवेन्यू सर्कल ऑफिस फॉर स्टूडेंट सीकिंग फी वेवर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम। अगर आपका इनकम लो है और आप फी वेवर स्कीम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका इनकम सर्टिफिकेट रहना जरूरी है, और वो भी रेवेन्यू सर्कल ऑफिस से लेना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो दोस्तों ये है पूरा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। दोस्तों अगर कल आप वेट कीजिए, कल तक वेट कीजिए, कल से ये अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और कल ही आप इसका फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। कल पूरा दिन में शायद शाम तक स्टार्ट हो सकता है, तो आप वेट कीजिए, कल या फिर परसों दिन अप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब भी आएगा मैं इसका अपडेट देता रहूँगा, और इसका जो अप्लाई प्रोसेस मैं भी ये भी दे दूँगा। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप खुद भी घर से बैठ के ये इसका अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।